हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है विनय वेब दुनिया। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल के बेसिक। काफ़ी सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर हमें एमएस एक्सेल के बेसिक बेसिक वाले वीडियो बनाकर अपलोड करिए, जिसमें ताकि स्टेप बाय स्टेप आप समझाए रहेंगे तो हमें काम करने में दिक्कत नहीं आएगी और हम अच्छे से देख पाएंगे और सीख पाएंगे। तो चलिए, आप सबकी कमेंट की डिमांड पर ये हमने वीडियो बनाया है। और दोस्तों, इसके पहले हमारे चैनल पर चार वीडियो अपलोडेड हैं, तीन चार वीडियो अपलोडेड हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4, और ये हमारा अगला पार्ट है। तो अगर उस वाले पुराने वाले पार्ट्स को, एमएस एक्सेल के बेसिक वाले वीडियोस को आपने अगर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और लास्ट में उसका आई बटन पर अपलोड कर दूंगा ताकि आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं चैनल पर तो, और बेल आइकॉन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और यहाँ पर दोस्तों, काफ़ी सारे चैनल पर हमारे वीडियो अपलोडेड हैं, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, एमएस वर्ड, फोटोशॉप, कोरोड्रा, पेज मेकर, वीडियो मिक्सिंग। तो देखते रहिए, सीखते रहिए और चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा एमएस एक्सेल। ओके, इस वाले वीडियो में, इसके पिछले वाले वीडियो में हमारे फाइल वाले मेनू के जितने आप सारे ऑप्शन थे, पार्ट फर्स्ट में ये कवर हो चुके हैं, सेकंड पार्ट में होम बटन के जितने सारे ऑप्शन हैं ये पूरे क्लियर हो चुके हैं। अगर आपने हमारे चैनल को पर जाकर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो के एमएस एक्सेल बेसिक वाले पार्ट 2 को देख सकते हैं। इसमें थर्ड पार्ट जो है हमारा, इंसर्ट मेनू में जितने सारे ऑप्शन हैं इसको हमने कवर करने की कोशिश करी है पार्ट 3 में। तो अगर इसको भी आपने नहीं देखा है तो मैं आइकॉन पे बटन पे दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपलोड कर दूंगा उसके लिंक, तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा बेसिक एमएस एक्सेल का पार्ट 4, जिसमें मैं कवर करने वाला हूँ पेज लेआउट। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले पेज लेआउट में सबसे पहले ऑप्शन है हमारा थीम, यानी कि एमएस एक्सेल में आप थीम लगाना चाहते हैं तो ये देखिए, यहाँ से आप थीम जो है लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी थीम आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप कोई कलर कर सकते हैं, कोई भी कलर आपको चूज करना हो तो आप यहां से थीम जो है इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर कोई भी कलर अगर आपको चाहिए तो आप यहां से कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट में दूसरा कोई फॉन्ट अगर आपको चाहिए तो आप यहां से फॉन्ट में ले सकते हैं। ठीक है, यहां से इफेक्ट आप ऐसा कुछ लगा सकते हैं, ऐसे इफेक्ट आप यहां से चूज करते हैं, ग्लो जो भी है। इसके बाद अगला है हमारा मार्जिन, मार्जिन जो है सेट करने के लिए है, तो यानी कि आपकी नॉर्मल मार्जिन रखनी है। मार्जिन ये होता है जो प्रिंट होने के बाद पेपर पर चारों तरफ जो हमारे कुछ एरिया जो है बच जाते हैं, जिसको हाशिया भी बोलते हैं, तो उस वो सेट करने के लिए हमारा ये मार्जिन ऑप्शन है। तो इसमें कुछ हमारे सैंपल दिए हुए हैं, आप इसमें जाके चूज कर सकते हैं, इसको वाइड में चूज कर सकते हैं, लास्ट कस्टम कर सकते हैं, नॉर्मल जितना रहता है ये देखिए, जो इसकी एरिया बन रही है वो यहाँ पर है, और यहाँ पे है नारो, नारो का भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा रहता है इसका मार्जिन जो है। ठीक है, तो ये यहाँ से कर सकते हैं। आप इसमें ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन में जाके, ओरिएंटेशन का मतलब होता है पेज को आप कैसा देखना चाहते हैं, यानी कि पेज को आड़े पेज में देखना चाहते हैं या तो सीधा सीधा पेज को देखना चाहते हैं। आड़े मतलब कि लैंडस्केप में देखना चाहते हैं, जो कि लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, या तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको पोर्ट्रेट दिख रहा है जो कि सीधा सीधा पेज रहता है, यानी कि लंबा लंबा। तो ये दोनों ऑप्शन है, इसमें आप पेज को कैसा देखना चाहते हैं। आप यहाँ पे ये देखिए, ये जो है एरिया जो है ओरिएंटेशन में, यानी कि लैंडस्केप में सेलेक्ट हो चुकी है,
ठीक है। और इसके बाद जब भी आप चूज करेंगे पोर्ट्रेट, ठीक है, तो ये पोर्ट्रेट जो है सेट हो गया है यहाँ से लेके यहाँ तक। पोर्ट्रेट जो है थोड़ा लंबा लंबा पेज रहता है, यानी कि सीधा सीधा, तो ये है। इसकी जो साइज है, पेज की साइज आप यहाँ से ले सकते हैं। सपोज कि मैं A4 अभी लिया हूँ, B4 आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, थोड़ी छोटी बड़ी साइज हो जाएगी। यहाँ से आप लीगल साइज ले सकते हैं जो कि काफ़ी लंबा पेज रहता है। यहाँ से आप लेटर वाला साइज जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि A4 पेपर से जो JK पेपर आता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा रहता है और थोड़ा सा छोटा भी रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ से ये इसके साइज जो है पेज के चूज कर सकते हैं। और सपोज कि मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ और आपको प्रिंट एरिया सेट करने के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में मैं काफ़ी स्लोली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों का कमेंट था कि सर आप बहुत फास्ट बताते हैं तो मैं समझ नहीं पाता हूँ। तो इसके लिए आज हमने थोड़ा सा स्लोली कवर करने की कोशिश की है, ज़्यादा स्लोली नहीं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, बट थोड़ा सा हमने कोशिश करी है। तो इसमें देखते जाइएगा और वीडियो में अंत तक देखिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आ पाएगा MS Excel का, ताकि आप जब भी MS Excel में काम करें, जॉब करने जाएं, तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए और आप इजीली काम कर पाएं MS Excel में। ओके, तो यहाँ पर है प्रिंट एरिया। तो सपोज कि मैं इतनी एरिया इसमें प्रिंट करना चाहता हूँ, तो आपको इसके लिए जाना पड़ेगा प्रिंट एरिया पर और सेट प्रिंट एरिया क्लिक करना पड़ेगा। तो ये देखिए, उतने एरिया जो है बॉक्स के अंदर आ चुकी है। अब जब भी आप इसका प्रीव्यू देखेंगे, ओके, तो ये देखिए इतना ऑप्शन जो है आ रहा है। अभी हमें क्लियर नहीं समझ आ रहा है तो मैं इसमें इतना बॉक्स लगा लेता हूँ बॉक्स, ताकि ये हमें समझ में आए हमने कितना चूज किया है। ओके, तो ये देखिए, अब हम इसमें जाते हैं और इसमें प्रिंट पर जाते हैं। तो ये देखिए, प्रिंट एरिया जो है सेट किए थे जितना, वो सिर्फ उतना प्रिंट होके आ रहा है। ओके, तो ये है हमारा प्रिंट एरिया का कमाल। और प्रिंट एरिया अगर आपको हटाना है तो राइट क्लिक करिए उतना सेलेक्ट करने के बाद, और यहाँ पर जाइए कि क्लियर प्रिंट एरिया क्लिक कर दीजिए। तो अब ये पूरा एक पेज इतना प्रिंट प्रीव्यू में आएगा, जबकि अगर आप जब आप प्रिंट एरिया करते हो सेलेक्ट करके तो सिर्फ इतना ही आता है। ओके, तो ये है, पेज को ब्रेक अगर करना है, 20 से पेज को दो भागों में बांटना है, ओके, तो आप पेज ब्रेक में जाके इंसर्ट पेज ब्रेक में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपका जो पेज है, एक पेज जो है दो पेज में डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, रिमूव पेज ब्रेक हटा देता हूँ। इसमें बैकग्राउंड में आप चूज कर सकते हैं कोई जो भी आपको बैकग्राउंड चाहिए। सपोज दैट आपके कंप्यूटर में फाइल सेव है किसी बैकग्राउंड का, तो आप यहाँ से जाके चूज कर सकते हैं, ले सकते हैं, और नहीं है तो ऑनलाइन भी डाउनलोड करके आप सेव करके और यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं बैकग्राउंड में आपकी इमेज। और फिर अगला है हमारा प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं या एंट्री कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसका फाइल का नेम देना रहेगा, सीरियल नंबर, नाम, ठीक है, एड्रेस, ठीक है। तो ये है, यानी कि जो ये चीज़ें हैं मैटर फिल करने के बाद, तो जब भी आप प्रिंट करो तो ये सारी चीज़ें भी हर पेज में ये चीज़ ऊपर आना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमने कुछ सैंपल तैयार किए हुए हैं आपको ये बताने के लिए कि प्रिंट एरिया कैसे सेट करेंगे और ये क्या चीज़ होता है। ओके, तो प्रिंट एरिया होता है, ओ सॉरी, प्रिंट टाइटल दोस्तों, प्रिंट टाइटल ही होता है कि जितने भी ये कॉलम के नेम लिखे हुए हैं ऊपर, तो ये पेज में हर किसी पेज में ऊपर आना चाहिए, ये चीज़ है प्रिंट टाइटल। ओके, तो इसको कैसे काम करते हैं और एक बार मैं अभी करके दिखा देता हूँ कभी कैसा आ रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट वाले में तो आया बट सेकंड वाले में ये चीज़ नहीं आई। ओके, तो इसको सेकंड वाले में भी लाने के लिए आपको प्रिंट टाइटल पर जाएंगे, रो टू रिपीट एट टॉप, यानी कि टॉप में कौन सी रो रिपीट होनी चाहिए हर पेज में, तो ऐसा चूज कर सकते हैं। यहाँ पे करिए क्लिक और यहाँ पर ओके कर दीजिए। अब ये जो पेज में लाइन है, ठीक है, वो हर पेज के ऊपर प्रिंट होगी। ओके, प्रिंट पर जाएंगे तो ये देखिए, इस वाले में भी है, इस वाले में भी है, ऊपर वाले में, सेकंड फर्स्ट पेज में भी है यहाँ पर, और सेकंड पेज पे भी है यहाँ पर।
चलिए, ये होता है प्रिंट एरिया, यानी कि किसी भी पेज में प्रिंट आउट में उसके जो टाइटल्स हैं, ठीक है, उसको हर पेज में प्रिंट करने के लिए ऊपर प्रिंट टाइटल का उपयोग करते हैं। ओके, तो यहाँ पर सेल के अब चलते हैं नेक्स्ट है अगला हमारा विड्थ हाइट, यानी कि जो हमारा सेल है उसकी विड्थ क्या होगी, हाइट क्या होगी, ये देखने के लिए, और कितने परसेंट में आप स्केल में देखना चाह रहे हैं पेज को। तो ऐसा करके आप इसमें देख सकते हैं ग्रिड लाइन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, व्यू में चाहिए कि नहीं चाहिए, प्रिंट में टिक कर सकते हैं, और यहाँ पर व्यू ऑप्शन है, व्यू आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, यानी कि हेडिंग्स जो है हेडिंग्स वो आप कर सकते हैं, जिसमें ग्रिड लाइन है, ग्रिड लाइन अगर आपको हटाना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि थोड़ा थोड़ा हमें दिखता रहता है पहले ऐसा रहता है, ओके, जो कि थोड़ा थोड़ा बॉक्स हल्का हल्का मुझे समझ आ रहा है, तो ग्रिड लाइन अगर आप हटा देंगे तो ये देखिए इसमें पूरा पूरा प्लेन आएगा, ठीक है। तो ये है ग्रिड लाइन व्यू प्रिंट और हेडलाइन व्यू प्रिंट। हेडलाइन है जो कि ये लिखा हुआ है ABCD और यहाँ पे नंबरिंग लिखा हुआ है 1 2 3 4। तो ये जो हेडिंग्स हैं ये प्रिंट में नॉर्मली नहीं आती, अगर आपको प्रिंट करना है तो आपको अलग से यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। और आपको प्रिंट करना है तो आपको पेज लेआउट में जाके हेडिंग्स में जाके प्रिंट ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा। ओके, अब एक बार देख लेते हैं कि प्रिंट में आ रहा है क्या। तो ये देखिए जो हमने इंसर्ट किया था सीरियल नंबर से, यहाँ पर इन आउट डेट नेम क्वांटिटी और स्टोर और टाइप, तो उसके अलावा भी ये 1 2 3 4 और ABCD ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही कमाल का ऑप्शन है, और इसको अगर आप यहाँ पर हटा देते हैं, ठीक है, यानी कि हेडिंग्स जो है यहाँ पर ये जो है वो ABCD और 1 2 3 4, तो ये हेडिंग जो है प्रिंट ना हो, यहाँ से हमने हटा दिया है। तो अब हम प्रीव्यू देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू में, तो ये देखिए यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, ABCD नहीं है, अल्फाबेट नहीं, नंबरिंग नहीं है, ये हमने जो अलग से इंसर्ट किया था नंबरिंग, ये वो यहाँ पर दिख रहा है और कॉलम का नाम दिख रहा है। ओके, ब्रिंग फॉरवर्ड यानी कि कुछ इमेज वगैरह लगाए हैं तो टेक्स्ट के ऊपर लगाना है, टेक्स्ट के बैक साइड लगाना है, सेंड बैक पीछे अगर लगाना है तो पीछे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये है, चलिए मैं यहाँ पर कुछ कर लेता हूँ इमेज स्क्रीनशॉट करके, ये देखिए यहाँ पर इसको मैं एक प्रैक्टिकल करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये इमेज है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ अभी डेस्कटॉप में, और इसी को मैं इमेज लगाकर आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इंसर्ट मेनू पे जाऊँगा, पिक्चर में जाऊँगा और डेस्कटॉप में जाऊँगा, और ये वाली इमेज जो है इंसर्ट करूँगा, ठीक है। अब ये इमेज जो है हमारी यहाँ पर आ चुकी है, ये देखिए इमेज जो हमारी आ चुकी है। तो अभी ये क्या हो रहा है, जो टेक्स्ट है, ठीक है, तो टेक्स्ट जो हमारी इसमें है पेज में, वो टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है, जो इमेज इमेज को पीछे भेजने के लिए आपको फॉर्मेट सेल पे जाना पड़ेगा, और यहाँ से उसको आप पीछे बैक साइड और फ्रंट साइड यहाँ पे कर सकते हैं। तो उससे कुछ दिक्कत है जिसके लिए ऑप्शन यहाँ पे हाइड हो रहा है, बट ऐसे होगा ब्रिंग टू फॉरवर्ड करेंगे तो आप स्टार्टिंग में आ जाएगा, और सेंड बैक वर्ड करेंगे तो टेक्स्ट के पीछे इमेज जो है लग जाएगी। तो और यहाँ पर है अलाइन, जो कि यहाँ पर भी है, दाएं बाएं लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, MS Excel, PowerPoint, Access, MS Word और CorelDRAW, पेज मेकर। तो जैसा भी आपको वीडियो पसंद आता है आप देखते रहिए, सीखते रहिए, और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, और देखते रहिए और सीखते रहिए। तब तक लिए बाय बाय।